हे गाइस, मैं दीप ब्लॉग्स यूपी की तरफ से आपको कुछ फूलों के बारे में दिखाना और बताना चाहूँगा। और हम लोग शुरुआत इस फूल के साथ कर रहे हैं। इस फूल को तो आप बखूबी जानते हैं, ये अपना छोटा सा नन्हू सा सनफ्लावर है। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो आप फूल देख रहे हैं, इसको शायद नीलगिरी कहते हैं। और ये फूल शंकर जी को बहुत पसंद है, जो मुझे पता है उसके हिसाब से। ये तुलसी जो हम लोग के यहाँ बहुत पूजनीय मानी जाती है और इसका सब लोग सम्मान भी बहुत करते हैं, और इसको इसके लाभ भी बहुत हैं। कोरोना काल में बहुत मदद की है लोगों को। उसके बाद ये कुछ सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं, और ये सारे फूलों में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा पौधा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, मिनी पेड़ लग रहा है और ये इतना खूबसूरत है कि आप असली आंखों से देखेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये बहुत एंटीक है और इसका नाम है एडेनियम। ये 7 से 10 हज़ार की रेंज में आता है, जो मुझे मालूम है। और इसकी खासियत ये है, इसको ये डेजर्ट फ्लावर देता है, वाइट कलर का फ्लावर होता है। और इसकी स्ट्रक्चर जो है एकदम बड़े पेड़ की तरह, एकदम विशाल पेड़ की तरह दिखती है, लेकिन ये जो है ये बहुत थोड़े से मिट्टी में लगा हुआ है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये देख सकते हैं, ये आपका अंगूर का पौधा। ये अंगूर का भी पौधा छोटा है, जिस हिसाब से मुझे पता चला है। इसमें आएंगे फल, लेकिन शायद थोड़ा टाइम लगेगा इसको, क्योंकि ये छोटा। और इस पौधे को देख के पहले आप गेस कीजिए कौन सा पौधा हो सकता है। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ आपको। इसको एक बार छूते हैं और फिर देखते हैं कौन सा पौधा है। अरे ये क्या, ये तो सो गया। मतलब ये हम लोग सभी लोग पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, मिमोसा पुडिका, जिसको हिंदी में छुई मुई कहते हैं। इसको छूने से इसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं रिफ्लेक्स एक्शन के कारण। और जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, बहुत प्रकार के पौधे हैं, और इतने प्रकार के हैं कि मुझे भी नहीं पता। जितने के बारे में मुझे जानकारी है मैं आपको बताता रहूंगा, घुमाता रहूंगा, लेकिन यहाँ का सौंदर्य देख के मेरा जी भर आता है। यहाँ पे जब भी मैं आता हूँ तो मुझे बहुत ही फ्रेशनेस का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर हरियाली ही हरियाली मुझे दिखती है। और खासकर इस तरह से छत का डेकोर करना, आप देख सकते हैं कितना हरा भरा, ऐसा क्या छत हो सकता है। ऐसा छत डेकोर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये छत को बहुत ही सुंदर और स्वच्छ वातावरण वाला लुक दे देता है। अब मैं आपको घर के आसपास का व्यू भी दिखा। ये देखिए कुछ और पौधे हैं,